महानवमी के मौके पर जबलपुर के सराफा बाजार के दुर्गा पंडाल में दिखी भक्तों की भीड़, सोने चांदी के गहनों से किया मां का श्रृंगार। वाराणसी के सिद्धिदात्री मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता, मंदिर में अनुष्ठान कर भक्तों ने की सुख शांति की कामना। रांची में महानवमी के दिन जवानों ने किया कन्या पूजन, साथ ही साथ जवानों ने किया शस्त्र पूजन। रांची के दुर्गा पंडाल में दिखे लालू राबड़ी, नवमी के दिन लिया मां का आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नवमी के मौके पर किया कन्या पूजन, भोजन करवा कर लिया आशीर्वाद। सौभाग्य और सिद्धि की देवी है सिद्धिदात्री, महानवमी को शक्ति साधना के रूप में जाना जाता है। सुबह से ही मंदिरों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, भक्त लगा रहे माता रानी के जयकारे। अष्टमी की तरह नवमी को भी कन्या पूजन की परंपरा, कन्या पूजन के बाद खोल सकते हैं व्रत। कल 5 अक्टूबर को दशहरा या विजयदशमी के मनाने के लिए तैयारी जबरदस्त की जा रही है। अमरावती की सांसद नवनीत राणा का वीडियो वायरल हुआ, पति के साथ गरबा खेलते नजर आई। प्रयागराज में दरभंगा कॉलोनी का पूजा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र, मंडप के थीम पर किया गया तैयार। पंडाल की सजावट करने के लिए जूट के पौधे, लकड़ी और चम्मच का इस्तेमाल किया गया। असम के बोगाई गांव में दुर्गा पूजा पंडाल बनकर तैयार हुआ, मशहूर भी हो गया है। पूजा पंडाल को मोर का रूप दिया गया है। दिल्ली में अष्टमी के दिन भी रही रामलीला की धूम, बड़ी संख्या में देखने पहुंचे लोग। इंदौर में विजयदशमी को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, बढ़ रही रावण के पुतले की मांग। पूरे देश में रामनवमी का उत्साह देखा जा सकता है। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी, गोरखनाथ मंदिर में किया कन्या पूजन। सीएम योगी ने देवी स्वरूपा कन्याओं के थाल में पांव धुले, पहनाई फूलों की माला, चुनरी पहनाकर अर्पित की दक्षिणा। कन्या पूजन के बाद सीएम योगी ने कन्याओं को परोसा भोजन, देशवासियों को रामनवमी की बधाई भी दी। इस पावन नवमी तिथि पर अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया कन्या पूजन, हवन भी किया। राम मंदिर की तर्ज पर सजा लखनऊ का दुर्गा पंडाल, भक्तों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। फैजाबाद कैंट का नाम बदलने को मंजूरी, अयोध्या कैंट होगा नया नाम। दुबई में 16 हिंदू देवी देवताओं का भव्य मंदिर, दशहरे के मौके पर उद्घाटन होगा। हुगली में कागज और टिश्यू से बनाया अनोखा सा दुर्गा पंडाल, पर्यावरण सुरक्षा का संदेश भी दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की यात्रियों को सौगात, कोल्हापुर से मुंबई के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट का उद्घाटन। मुंबई में कल दशहरे पर होंगी 2 रैलियां, ठाकरे और शिंदे गुट की दशहरा रैलियों पर सुरक्षा कड़ी। दोनों रैलियों में पूरे महाराष्ट्र से हजारों करेंगे शिरकत, ठाकरे गुट की रैली शिवाजी पार्क में, शिंदे गुट की रैली बीकेसी में। शिवसेना के उद्धव गुट ने जारी किया दशहरा रैली का टीजर, उद्धव की लोगों से रैली में आने की अपील। शिंदे गुट ने भी जारी किया टीजर, टीजर में दिखा शिवसेना का चुनाव चिन्ह, धनुष बाण और बाला साहेब ठाकरे आनंद दीघे की फोटो। दोनों गुट दिखाना चाहते हैं दशहरा रैली में दम, भीड़ जुटाने की मची होड़। मिशन कश्मीर, प्रदेश के गृहमंत्री अमित शाह जम्मू में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। राजौरी की रैली में बोले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, 70 साल में 3 परिवारों ने कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार की लांघी सीमा। अमित शाह ने कहा विरोधी कहते थे अनुच्छेद 370 हटा तो खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन 370 हटने के बाद गरीबों को अधिकार मिला। रैली उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो खून की नदियां बह जाएंगी।
राजौरी में अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान, कहा गुर्जर बकरवाल और पहाड़ी समुदाय को जल्द मिलेगा आरक्षण का फायदा। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर, आज महानवमी पर कटरा में मां वैष्णो देवी के दर्शन भी किए। मंत्रोच्चार के बीच में अमित शाह ने मां वैष्णो देवी का पूजन भी किया। जम्मू में शाह ने कई प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात भी की, गुर्जर और पहाड़ी समुदाय के नेताओं से भी बातचीत की। सिखों और राजपूत नेताओं से भी शाह ने बातचीत की, ताजा हालात पर जानकारी ली। कल अमित शाह की बारामूला में होगी रैली, जोरों पर है रैली को लेकर तैयारियां। उत्तरकाशी में बड़ा हादसा, एवलांच में 21 ट्रेनी पर्वतारोही लापता हो गए। नेहरू इंस्टीट्यूट के 29 ट्रेनी पर्वतारोही उत्तरकाशी में द्रौपदी डांटा 2 पहाड़ी पर कर रहे थे चढ़ाई, दौरान बर्फीली तूफान का शिकार हो गए। 8 पर्वतारोहियों को अब तक रेस्क्यू किया गया है, बाकी की तलाश जारी है। पर्वतारोहियों की तलाश में एयरफोर्स का इस्तेमाल, मिशन में लगाए गए 2 चीता हेलीकॉप्टर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात की है, वायुसेना को मदद का निर्देश भी दिया गया है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की सेहत में सुधार नहीं, आईसीयू में भर्ती हैं, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा इलाज। मुलायम सिंह यादव की बेहतर सेहत को लेकर जारी है दुआओं का दौर, चंदौली में सपा कार्यकर्ताओं ने विशेष हवन किया। मुलायम से मिलने अमेठी के मेदांता पहुंचा दिव्यांग, सलामती की दुआ मांगी। मुलायम सिंह यादव की बेहतर सेहत के लिए राकेश टिकैत ने मांगी दुआ, मुलायम को बताया गांव से जुड़ा हुआ शख्स। प्रयागराज में मुलायम सिंह यादव के लिए हुआ विशेष हवन, सपा कार्यकर्ताओं ने नेताजी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत। बापू की जयंती पर केजरीवाल के राजघाट नहीं पहुंचने पर विवाद हुआ, एलजी ने लिखी चिट्ठी। राजघाट पर ना केजरीवाल गए ना ही उनका मंत्री, एलजी ने लिखा ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन। जी पूरे देश के लिए आदर आदरणीय है और सम्मानित हैं, उनकी 2 अक्टूबर के जन्म जयंती पर उनकी समाधि पर उनकी पुष्पांजलि नहीं करना ये बहुत बड़ा अपमान है राष्ट्रपिता का। आपने किया पलटवार, कहा गुजरात में केजरीवाल के कार्यक्रम में थी भीड़, प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में कुर्सियां थी खाली। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिक को मिला है, एलन ऑस्पेक्ट, जॉन क्लॉसर और एंटन जेलिंगर के नामों का ऐलान किया गया, क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस पर रिसर्च किया। दिल्ली सरकार ने बदले ड्राई डे के नियम, अब त्योहारों में रहेगी शराबबंदी, पहले सिर्फ 3 दिन रहता था ड्राई डे। यूपी के श्रावस्ती में बना अनोखा सा विश्व रिकॉर्ड, 4,39,397 लोगों ने एक साथ धोए हाथ। पिथौरागढ़ के धारचूला में मौसम का बदला मिजाज, जमकर हुई बर्फबारी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी रिहायशी इलाके में निकला 12 फुट लंबा अजगर, रेस्क्यू किया गया। पंजाबी सिंगर अल्फाज की हालत खतरे से बाहर है, मोहाली में गाड़ी से कुचलने की कोशिश हुई थी। अल्फाज पर जानलेवा हमले के मामले में एक शख्स गिरफ्तार हुआ, पंजाबी गायकों में हमले से फैला डर। प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म आदिपुरुष के टीजर पर विवाद, रावण के किरदार की वेशभूषा पर सवाल खड़ा। सैफ ने किया था रावण का रोल, सवाल उठाने वालों ने कहा सैफ अली खिलजी या चंगेज की तरह दिखे। सैफ अली खान का पोस्टर देखने पे ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये रावण नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिजली का फोटो है। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की घर में संदिग्ध मौत, गले पर जख्म के निशान। परिवार समेत दोस्त के खाली घर में रुके थे लोहिया, घर के नौकर पर शक है, फरार नौकर यासिर की गिरफ्तारी हुई। आतंकी संगठन टीआरएफ यानी द
और पीएफएफ ने डीजी जेल हेमंत कुमार की हत्या की जिम्मेदारी ली। घर के आसपास आधी रात तक पुलिस ने की छानबीन, वारदात में इस्तेमाल हथियार की तलाश जारी। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया डीजी जेल हेमंत कुमार का शव, फॉरेंसिक टीम ने मौके से जुटाए सबूत। गुजरात के खेड़ा में कल गरबा के दौरान दो समुदायों के बीच में झड़प हुई, पथराव में 6 लोग जख्मी हो गए, हिरासत में लिए गए 6। खेड़ा में उपद्रव के दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कुछ अल्पसंख्यक युवकों पर आरोप लगा, गरबा बंद कराने के लिए डाला था दबाव। सूरत में गरबा पंडाल में बवाल मचा, मुस्लिम बाउंसर्स की तैनाती के बाद फूटा बजरंग दल का गुस्सा। लखनऊ में 90 साल की महिला ने डीएम से लगाई गुहार, 3 साल से नहीं मिला था राशन उनको। पाथरा चौल घोटाले में फंसे शिवसेना सांसद संजय राउत को झटका लगा, न्यायिक हिरासत 10 अक्टूबर तक बढ़ाई। कुछ ही देर में टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच में खेला जाएगा तीसरा टी20 मुकाबला, इंदौर के होलकर स्टेडियम में होगा मुकाबला। रोहित शर्मा की कैप्टनसी में टीम इंडिया होलकर स्टेडियम में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उतरेगी, स्टेडियम में खेले गए अब तक दोनों मुकाबले भारत के नाम। टीम इंडिया पहले ही कर चुकी है सीरीज पर कब्जा, पहली बार घर में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीती सीरीज। आज के मैच के लिए विराट कोहली को दिया गया आराम, विराट की गैरहाजिरी में श्रेयस अय्यर को प्लेइंग 11 में मौका। दक्षिण अफ्रीका को क्लीन स्वीप करने बढ़ेगा टीम इंडिया का मनोबल, टी20 वर्ल्ड कप में मिलेगा इसका फायदा। मुंबई से आई है गुड न्यूज, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने खादी फेस्ट 2022 का उद्घाटन किया। दिल्ली में वर्ल्ड हैबिटेट डे 2022 का जश्न, केंद्रीय मंत्री शामिल हुए।